हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग का 6:30 बज गया है और मैं आ गया हूँ छत पे। यहाँ एकदम शांत सुंदर सा वातावरण है, बारिश शुरू हो चुकी है और मॉर्निंग में भी काफ़ी बारिश शुरू हो गई थी और काफ़ी बढ़िया नज़ारा है। काफ़ी ठंडा दिन है और फिर से बारिश शुरू में स्टार्ट हो चुकी है, बढ़िया वातावरण है। काफी मस्त दिन निकल आया है। अभी पल गया है, स्कूल पे गया है और यहाँ वातावरण देख लीजिए, पीछे का इतना मस्त वातावरण है, काफी बढ़िया मजा आ रहा है। पंछी की आवाज मॉर्निंग में काफी मस्त लग रही है, सुंदर सा पक्षी उड़ते हुए जा रहा है। भाई सुबह का आलस हो रहा है और रेखा चाय बना रही है, मेरे को बकस आता है रेखा। तो अभी मॉर्निंग में भाई पहले नहाएंगे धोएंगे, बाद में चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे, नहाएंगे धोएंगे कपड़ा मुझे। हाँ, जो कपड़ा तुम धोएगी नहाने को मैं जाऊंगा, हो गया ना, नहाएंगे धोएंगे, राइट। अभी रेखा चाय बना रही है, धीरे धीरे करके चाय उबल रही है। मॉर्निंग में मैं रेखा के साथ यहाँ खड़ा हूँ और रेखा चाय बनाने के बाद चाय उबलती उबलती कहाँ चली गई? शैम्पू, ये नारियल पानी का तेल, नारियल पानी और ये है शैम्पू। तो भाई ये शैम्पू और ये नारियल पानी, रेखा ने कभी इसको ट्राई नहीं किया है पर बोलती है कि जब माथा धोने का होता है ना तब ये नारियल पानी से वहाँ तेल डालना पड़ता है, ऐसा ना। अत्यारे अजी मने आला था ऐसा ना, रेखा बगा हा खाई छे ना भाई, अने यहाँ चा बना भी रही छे रेखा। और देखो 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 उबल रही है, तो भाई हवर में तो हूँ दाबी चेड़ो तो पर क्या वरसाद तो खास नहीं, थोड़ा हल्का सा पवन तो नहीं था पर थोड़ा धीमे धीमे कर थोड़ा थोड़ा वरसाद आता था ना। बतावड़ी मुकी बाखरी के रोटली क्या हूँ बनाओ, रोटली बनावनी है। तो भाई हवे तावड़ी पर रोटली बनाव से અને ફટાફટ રસોઈની તૈયારી કરે ત્યાં હું નહીં હું નાય ધોઈને રેડી હો જાઉં। તો અભી દોસ્તો ચલતા હું મેં નહાને કે લિયે, તો અભી મિલતે હૈ નહાને કે બાદ, લેટ્સ ગો। વિશ્વાસ કિસી પર ઇતના કરો કી કે વો તુમે છલતે સમય ખુદ કો દોષી સમજે, ઓર પ્રેમ કિસી સે ઇતના કરો કે ઉસકે મન મે સદૈવ તુમે ખોને કા ડર બના રહે, ઓર પરમાત્મા સે પ્રેમ હૈ તો સમર્પણ કરે। વેરી વેરી ગુડ મોર્નિંગ, વેલકમ બેક ટુ અવર ચેનલ। મેરી ચેનલ મે આપ સભી કા હાર્દિક સ્વાગત હૈ। मॉर्निंग में मैं ले चलता हूँ रोज की तरह श्री स्वामीनारायण भगवान के दर्शन कराने के लिए। तभी मॉर्निंग का 8:30 बज गया है और मैं ले चलता हूँ श्री स्वामीनारायण भगवान के दर्शन कराने के लिए। तो श्री स्वामीनारायण भगवान के सुंदर से मॉर्निंग दर्शन होते ही मैं ले चलता हूँ श्री कृष्ण भगवान के दर्शन कराने के लिए और मैं जा रहा हूँ मम्मी को नमस्कार करने के लिए। मॉर्निंग में मम्मी को नमस्कार करते ही पूरा मेरा दिन अच्छा निकल जाता है। तो दोस्तों वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, मैं जा रहा हूँ अभी सुबह में नाश्ते के लिए और भी मेरा नाश्ता रेडी कर दिया है। मॉर्निंग में नाश्ता रेडी कर दिया है और रेखा क्या कर रही हो? वो भाई पंखी की तरह चण चणे से आपने कहवाई छे ने गुजराती माँ के भाई। तो अभी मॉर्निंग में मैं बैठ गया हूँ और रेखा ने खाना खा लिया है फिर भी मेरे सामने बैठ गई है। तो रेखा आज कैसा मूड है तेरा? बढ़िया मूड है। तो जीवन में क्या कुछ ऐसी चीज के बाबत में गीत गा, एक हिंदी गिराना सुना दीजिए। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार, खुश रहना मेरे यार। आज रेखा तूने ये गाना गाया तो मुझे समझ में नहीं आया कि नफरत की दुनिया, मुझसे तो नफरत नहीं है ना? नफरत क्या हुआ? तो भाई अभी मॉर्निंग में नाश्ते के समय रेखा ने गाना सुना दिया है कि नफरत की दुनिया छोड़ छोड़ के ओ छोड़ कर, नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। हल्का मेरी जी करता खुश रह भाई। मॉर्निंग में अभी रेखा ने ऐसा संदेशा दिया है कि कब हमारा देह छूट जाए हम चल बसे,
तो भाई प्यार से रहो, नफरत से मत रहो, नफरत की दुनिया में। इस संदेश का मतलब ये है कि नफरत छोड़ के प्यार से रहिए, अपने घर में हमेशा खुश रहिए, परिवारों को, सदस्यों को टाइम दीजिए, उनके साथ थोड़ा हंसकर, मिलकर, खेलकर, और अपना जीवन थोड़ा लंबा हो जाएगा, आगे निकल जाएगा। शर्म कैसी होनी, शर्म नहीं रखो दोस्तों, जीवन में आगे जाना है तो किसी भी प्रकार की शर्म मत रखो। और अभी ये मैं बताने जा रहा हूँ कि भाई नफरत करते करते हम कहाँ चले गए, तो मन की बात मन में रह जाएगी। इससे प्यार से भाई जितनी भी लंबी जिंदगी है हमारी, छोटी सी है, लंबी सी है, खुश होकर रहिए। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो अभी ये नाश्ता करने के बाद मैं बढ़िया सा खाना पूछने जाता हूँ, लेट्स गो। तो दोस्तों मॉर्निंग का नाश्ता खत्म होते ही मैं मेरा रोज की तरह बढ़िया सा खाना पूछने जा रहा हूँ। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो अभी आज का मेरा बढ़िया सा खाना है, अगर नाक पर मैं चढ़ जाऊँ तो कान पकड़ कर खूब पढ़ाऊँ। तो दोस्तों ये खाना का राइट आंसर देने का, और जिन जिन मेरे व्यूअर्स राइट आंसर देंगे उसका कल के व्लॉग के अंदर मैं मेरे चैनल में सभी मेरे व्यूअर्स का नाम लूंगा, और बढ़िया सुविचार भी दोस्तों दीजिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ शॉप पे। अभी मैं हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ी न्यू लेने जा रहा हूँ मोटावरा छा ओकिनावा शोरूम पे। बजने आया है और मैं आ गया हूँ घर पे। पॉल स्कूल से आ गया है, रेखा भी रेडी होके बैठ गई है, खाना निकाल दिया है, और रोज की तरह मैं हाथ पग धो के खाने के लिए बैठा हूँ। मैं खाने के लिए बैठ गया हूँ, रेखा मेरी डिश कंप्लीट कर रही है, और अभी बजने आया है एक, तो खाने में बनाया है रोटी है, पापड़ है, गुड़ है, दूधी बहन की सब्जी है, और रेखा खाने के लिए बैठ गई है। अभी पल व्लॉग देख रहा है, तो पल भाई कैसा दिन रहा अपना आज? बढ़िया बढ़िया। हमेशा सोफे पे लेटा रहता है और बढ़िया बढ़िया बोलता रहे, कुछ बढ़िया से आगे निकलो तो हम भी मजा आए। तुम्हारी कल कॉमेडी जबरदस्त थी, आज क्या कॉमेडी करने वाले हो बता दीजिए दोस्तों को। करूंगा कुछ भाई, कुछ करूंगा, बढ़िया से कुछ करूंगा, वहां पहुंचा है, काफी अच्छा है। तो अभी मैं खाना पीना खत्म करके मैं जा रहा हूँ शॉप पे, ले चलता है पल एंड रेखा तुम्हें आगे, लेट्स गो। बजने आए अभी मैं चलता हूँ मम्मी के पास, अभी मेरा ट्यूशन भी खत्म हो गया है। हाय मम्मी। हाय। ये सब क्या भंडार खोल के रखा है? भंडार खोल के रखा है, जो सुआ टूटी हुई तो ना, बटवा छे बटवा चो बेबे ऐसे आसे मर बटू, यही बटवा, ये हमारा दूसरा बटवा बेवानो भूली गयो, स्पेशल के दोनों पड़ो तो કેટલા છે? એ અમારા દૂસરા પર્સ કોણ સા અચ્છા ચલો બહાર, તમારે કોઈને પણ લેવું હોય તો આ પર્સ મોચી માંથી લીધું છે ભાઈ। ભાઈજી ક્યાં જવું છે ભાઈ? વાલમવ ધામ રાગો આજે વાલમવ ધામ।
लाख लाख दिवड़ाने जगमग ता दीप थी मंत्रणी आरती हो स्वामी ने हर्षे वधावीए। आ पर्स छे मोची नो चौटा मा मैंने सब पैक कर दिया है। पर्स के खाली पर्स आपको बॉक्स भराऊं। अभी हम शाम को मिलते हैं। बाय अगासी में नहीं कितना कोई यली अगासी में कहीं नहीं थी ये हमारो है गोठी देशु हमारा तो मैं तो बोलो भाई ना कपड़ा के अभी सब आपको बोली जो पर्स और है दूसरा पर्स बॉक्स अभी ही जाए मेरे कपड़े तो इतने ही मम्मी के कपड़े देख भर दिया है पूरा मारा सेज ने जो तीन तीन वाल क्या से ओ आजो आजो आई आजो ओ अजी तो नीचे ड्रेस अने या आ बधु तगला केरा से मने कपड़ा नो शो मारो खाली એટલું છે એટલું અને થઈ રહે નહીં એટલે તાર થોડા લેવા પડે મુજે લેતા હી નહીં લેતા આ વર્ષે લેવા હોય હાય દોસ્તો આ વર્ષે પલું ના કપડા લીધા હોય એ આવતા વર્ષે એને ખાતા નથી વધે જાય છે નામે વધે જાય છે બાય 8:15 બજને આયા હે ઓર पापा ने खाना खा लिया है। पाल अभी टीवी देख रहा है। हाय पापा। हाय पाल कैसे हो yeah. रोज की तरह बढ़िया और टीवी में इतने सारे आईफोन वाव तो अभी मैं आया हूँ घर पे। अभी रेखा क्या बना रही है मसाला वगैरह अभी बिना मसाला का डेवरा कैसे बनेगा भाई वॉचिंग तो प्रोग्राम करिए तो ये मत था ने कॉल आयो के शू बनाव से मैं कीधु डेवरा चा बनाव ने તો એ કે મસાલો નથી મેં કીધું જેવું હોય એવું ચાલે કેમ તો ભાઈ ચલતા હે કભી ચલા લેના પડતા હે જૈસા હો ખા લેને કા બહેસને કા લેગા વરના અપના રોજ કા ટાઈમ ટેબલ ગુમ હો જાયેગા ત્યારે એ વિફરન હે ત્યારે પછી આપણને ખાવામાં તકલીફ પડે તો ભાઈ દેખા આજ તક કે લોક કે કભી મેં ભૂખા નહીં રહા હું તો હોતા હે ભાઈ તો અભી મેં જા રહા હું નાને કે લિયે નાને કે બાદ કુછ થોડા કોમેડી કરેંગે नाना देना खत्म हो गया है अभी जा रहा हूँ मैं खाने के लिए। खाने में बात तो भाई टेवरा और चाय है तभी खाना रेडी हो गया है। खाने में है भाई मिर्ची चाय और टेवरा। भाई टेवरा तो चाका जाम बना रहे हो भाई। जब मैं बोटल रहता था तो वहाँ के लोग बोलते थे एम को ने कि भाई केव हो तू तो चाका जीव तू चाका जीव तो भाई आज टेवरा पर चाका जीवा है એવા મસ્ત કડક કડક છે ને કે બહુ મજા આવે। દેખો ભાઈ ચા ખતમ હો ગઈ રેખા કી તો થોડા હલકા સા મિલ્ક ડાલ કે દેખો કેસે ચા નિકાલ દી હું તો અભી ખાના પીના ખતમ હો ગયા હે ઓર રેખા બર્તન લેકે બેઠ ગઈ હે ઓર કેસે ચકા ચક સાફ કર રહી હે હાય રે ચકા કમરે જોજો અભી ઠામણા ઉસકે લે હો કે ભાઈ ઠોશરા ઉઠ કે છે ભાઈ ઠોશરા ભાઈ ઠોશરા तो अभी रेखा सब काम खत्म करते ही आ गई है। हम बाबा हिंदी भूल गए। बाबा हिंदी ने तो कल भाई मौज पड़ गई थी। आ गए पानी बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम आ गए ગુજરાતી આવડે ભજન આવડે કીર્તન આવડે ખેતી નું કામ આવડે પછી બાજરો વાટતા આવડે બાજરો ગણવાનું તલ પારવવાના હોય બાજરી પારવવાની હોય કપાસ વીણવાનું હોય કપાસ નીંદવાનું હોય સિંગ ખેંચવાની હોય સિંગ નીંદવાની હોય બધું જ કામ આવડે છે એટલે તમે મને એમ ન કહેતા કે કઈ આવડતું જ નથી મારું ટાઈટ ટાઈટ ફિશ થઈ ગયું એ જઈ
એને તો બધું આવડે છે. મેં એને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે તને કઈ આવડતું નથી, બધું આવડે છે. તો આજ મેરે રાઇટ આન્સર દેને વાલે સભી વ્યુઅર્સ કા મેં નામ લેતા હું. રાઇટ આન્સર થા મુચ્છે. તો દોસ્તો મેરા કલ કા ઉખાણે કા રાઇટ આન્સર આજ કાફી મેરે સબસ્ક્રાઇબર વ્યુઅર્સ ને દિયા હૈ. સર્જિકલ ગેમર, પ્રતિક મેપાણી, નીરવ મેપાણી, ઠાકરસિંહભાઈ મેપાણી, મિથિલા ઇનામદાર, પ્રિયંકા સિંદ્રોજા, વી એમ રાવલ, વિકેભાઈ, રાજુ જાવિયા, વિજય ધામેલિયા, હિરેન દેવાણી, સાગર પારેખ ઓર કાફી લોગો ને રાઇટ આન્સર દિયા હૈ. ઓર આજ સબસે બઢિયા સા વિચાર લિખા હૈ તો મેં અભી બતાતા હું. તો ધરમસિંહભાઈ ને લિખા है कि तमारू कर्म तमारी साची ओळखाण छे, बाकी तो दुनिया में एक नामना हजारों माणसो होय छे. वेरी नाइस. अने हवे पछी छे अर्चना पंचाल जेवे लख्यू छे, लाख रुपयानी घड़ियाळ भले तमारा हाथ में होय पण समय तो प्रभुना हाथ में छे. वेरी नाइस. राजू जाविया पण सरस लखेलू छे कि आर्थिक स्थिति गमे तेटली सारी होय पण एनो आनंद लेवा मानसिक સ્થિતિ સારી હોવી જોઈએ. વેરી નાઇસ. સુપર. અને વી એમ રાવલે લખેલું છે કે નાણા વગરનો નાથીઓ નાણે ન થા લાલ. વેરી નાઇસ ભાઈ. એનો મતલબ એવો થાય છે કે નાણા વગરનો નાથીઓ એટલે જેની પાસે પૈસા હોતા નથી તો તેને બધા નાથીઓ કહેતા હોય છે, અને થોડો ઘણો પૈસો માણસ પાસે થાય તો બધા લોકો ભાઈ ભાઈ કરીને એની પાસે જતા હોય છે. એટલે આ કહેવતનું નામ પડ્યું છે નાણા વગરનો નાથીઓ નાણે ન થા લાલ. અને હવે લખ્યું છે મિથિલા ઇનામદાર કે રેખાજી ઓલવેઝ રોક શો સ્ટોપર હંમેશા હસતે ખેલતે ખુશ રહો. વેરી નાઇસ. તો દોસ્તો બસ આજ કાફી લોકોને અચ્છા અચ્છા શું વિચાર દિયા હૈ. તો આજ બઢિયા સા ભજન સુનાને જા રહી હૈ વાલમ વધામણા બીએપી સ્વામિનારાયણ નું જે કીર્તન છે. તો રેખા કીર્તન સ્ટાર્ટ કિયા જાય. વાલમ વધામણા હો આજે, વાલમ વધામણા હો સ્વામી ને હર્ષે વધાવીએ, આનંદ ના વધામણા હો સ્વામી ને હર્ષે વધાવીએ, વન વન ના ફૂલડા ના રંગ રંગ ના હાર થી ગંગા ને યમુના ની શત શત ધરતી અનંત ના ઉજળ થી હો આજે, અનંત ના ઉજળ થી હો સ્વામી ને હર્ષે વધાવીએ, લાખ લાખ તારેલા ના જગમગતા હીરથી, લાખ લાખ ચાંદલા ના ટમટમતા ધીરથી, અનંત ની આરતી હો આજે, અનંત ની આરતી થી હો સ્વામી ને હર્ષે વધાવીએ, વાલમ વધામણા હો સ્વામી ને હર્ષે વધાવીએ, સ્વામી ને હર્ષે વધાવીએ, વાલમ વધામણા હો. ભાઈ ખૂબ જ સરસ ભજન કીર્તન હતું. આજે આ સ્પેશિયલ ભજન કીર્તન જે ગાયું છે અર્ચના પંચાલ, જેઓને રિક્વેસ્ટ હતી કે વાલમ વધામણા જો ફાવે તો ગાજો. તો અર્ચનાબેન તમારા માટે કહું છું કે તમને કેવું લાગ્યું, જેવું પણ લાગ્યું હોય તેવું કોમેન્ટ કરીને રિપ્લાય આપજો. અને દોસ્તો બીજા કોઈને પણ સારું સાંભળવાની ઈચ્છા હોય તો તમે લખજો, જો આવડતું હશે ને અમે ગાશું અને ટ્રાય કરીશું. બસ મેરા વ્લોગ મેં અહીં ખતમ કરતા હું. મિલેંગે કલની વ્લોગ કે સાથ. તબ તક મેરે ચેનલ બને રહે. જય સ્વામિનારાયણ. જય શ્રી કૃષ્ણ સીતારામ. બાય બાય. ગુડ નાઇટ.